भगवान की। सत्यापि जी महाराज की असीम कृपा से आज बड़ी खुशी का दिन है। माता नंद जी के यहाँ इस आश्रम में चरण पड़े संत महात्माओं की टोली में अब समर्पित कर दिया इन्होंने भी अपना जीवन। हम एक ही गुरु के चेले हैं, राजनीति में भी और धार्मिक उसने भी, राजनीति में भी मनोज जी के साथ बहुत ही अच्छा हमारा, हम लोग कांग्रेस पार्टी से संबंधित रहे हैं आपस में, परंतु जहां हम लोगों ने अपनी जिंदगी का जीवन को राजनीति में स्पष्ट और साफ सुथरा जिया, उसी तरह आप एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी माता रंजन जी पर आ गई है और वो जिम्मेवारी दिल्ली की, देश की, धर्म की, अपने सत्यार्थी कृपा के प्रचार की वो जो जिम्मेवारी अब इनको मिली है, उसमें हम सब लोग जो साथ देंगे यह जिम्मेवारी बहुत ही अच्छी और सुंदर ढंग से एक आदेश पर, इनके एक निवेदन पर, एक मैसेज पर, अगर हम सारी संगत यहाँ ज्यादा से ज्यादा कहीं पर भी ये मैसेज आए कि माता रानी जी पहुंच रहे हैं और वहां अपनी संगत वहां खड़ी होती है, तो वो संगत का वो जो जोश और उसका जो समर्पण प्यार मिलता है, उस प्यार से ही आगे धर्म का प्रचार होता जाता है। जैसे भक्तों को शक्ति मिलती है तो गुरु महाराज जी को भी अपने चेले अपने संगत देकर उतनी उनको आत्मा को संतुष्टि होती है, उनकी संगत मिलती है। माता जी भी कह रहे थे कि चाहे आप श्रीरामपुर आओ या यहाँ आरती पर आओ, डेली रोजाना आओगे तो आपको गुरु महाराज जी के दर्शन होंगे। और उसी कड़ी के अंदर मैं पुनः दो दो बधाइयां माता जी को, महामंगलेश्वर का पद मिला और हमारे बड़े भाई छोटे भाई मनोज जी को माधवानंद जी का पद मिला, बहुत बहुत बधाई सभी परिवार को, सत्यार्थी परिवार को, सभी को बहुत बहुत संगत को बधाई, महाराज जी को बधाई, माता जी को बधाई। सतगुरु सत्यार्थी जी महाराज की जय। ईश्वर के संचालक नहीं बिल्कुल, तो वैसे भी हमने इनको बोलते हुए बड़े अच्छे से सुना है, इनके बदल भी बहुत अच्छे हैं, वैसे तो परिवार ही पूरा ऐसा है, पर ढोलकी भी आती है बजाने की, एक को एक बदल बोल देती है, एक बोल भी लेता है, बहुत ही सुंदर आवाज है तीनों की, बड़ा दिल खुश होता है जब भी बोलते हैं मनोज सामी। बोले जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री नंदी निवासी भगवान की जय। छोटा मुंह बड़ी बात, ज्यादा बोलने का अभ्यास नहीं है, लेकिन बड़े भाई गुलशन जी ने आज्ञा की है तो माता जी की आज्ञा सबसे पहले तो अपना, मेरे को जो लग रहा है हमारा परम सौभाग्य है मनोज भैया जी, स्वामी महात्मानंद जी, इनका मार्गदर्शन अब हमारे को मिलने वाला है आगे से, पहले भी मिलता रहा है लेकिन अब जो है एक अलग रूप में हमारे को सबको इनका मार्गदर्शन, माता जी का मार्गदर्शन तो है ही है, साथ साथ में स्वामी जी का मार्गदर्शन हमारे को मिलने वाला है, इसमें हमारा सौभाग्य है। और जैसे सबने देखा ही है, मेरे को तो जहां तक ध्यान में आता है, मैं जब भी चाहे तो नंगली साहब और चाहे तो सीलमपुर जब भी जाता था, तो जिस भाव से आप सेवा में लगे होते थे, कभी किसी सेवा में कभी किसी सेवा में, ज्यादा मैंने देखा है कि रुचि जो थी भोजनालय में, और एक पैर के ऊपर खड़े, मैंने तो हमेशा इस तरह से देखा है, एक पैर के ऊपर खड़े होकर के और अपनी टीम के साथ जिस श्रद्धा से, जिस जोश से, जिस उत्साह से ये लगे होते थे, उसको देख करके प्रेरणा हमारे को मिलती थी, मेरे को तो व्यक्तिगत रूप से बहुत मिलती थी, तभी से मैं इनका फैन कह सकता हूं, फैन हूं। तो जैसे
स्वामी केशवानंद सत्यार्थी जी, स्वामी केशवानंद जी उन्होंने जिस प्रकार से अपनी टीम बना करके और मिशन को कहां से कहां ले गए हम सबने देखा है। तो मेरा गुरु महाराज जी से, श्री नंगलीरवासी भगवान जी से यही प्रार्थना है, उनके चरणों में यही विनती है कि स्वामी माधवानंद जी को इतनी शक्ति दे कि ये जो नेक्स्ट लेवल जिसको बोलते हैं, नेक्स्ट लेवल तक अपनी टीम बना करके हमारा मार्गदर्शन करके और ये मिशन को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे, ऐसा मेरे को विश्वास है। और मैं महाराज जी से फिर उनके चरणों में नमन करता हूँ, माता जी के चरणों में नमन करता हूँ और उनसे फिर से ये प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको शक्ति दे। बोल जय करा मेरे श्री गुरु महाराज की, गुरु माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, माधवानंद महाराज जी की कोटि में कोटि कोटि नमन। आज बहुत खुशी का दिन है कि हमें वो खुशी प्राप्त हो रही है कि हमारे मनोज भैया जी आज माधवानंद जी के रूप में यहाँ पर आए हैं, उनका हार्दिक धन्यवाद। और महाराज जी से कृपा है कि हम पर ऐसे ही अपनी छत्र छाया बनाए रहें, अपना आशीर्वाद बनाए रहें। बोल जयकारा, बोल भजे श्री गुरु महाराज की। बोल जयकार, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री निवासी भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव सत्यार्थ जी महाराज की जय। सत्यार्थी मिशन के संचालक परम पूज्य परमेश्वर के अश्री मंदिर माता तुल्य महाभुवेश्वर शांति सत्यार्थी जी महाराज और मेरे दाता स्वरूप परम धर्मी परम पूज्य जिनका हृदय में ऐसा स्थान बना, छोटे से ही समय में उन्होंने हमें अपने प्रेम पाश में बांध दिया। मेरा इशारा श्री स्वामी माधवानंद जी महाराज की ओर है। मेरे को नहीं लगता कि इनसे संपर्क मेरा बहुत पुरातन था, लेकिन अब ये लगता है कि जन्मों जन्मों का नाता है, क्योंकि जो इनके स्पर्श से, इनसे वार्तालाप से, इनके दर्शनों से जो एक विशेष आनंद की अनुभूति होती है वह शब्दों की मोहताज नहीं। आज नंगली दरबार में और सभी संप्रदायों में एक विशेष चर्चा का विषय बना हुआ है कि सत्यार्थ मिशन को एक ऐसा अनमोल मोती रत्न जड़ित मिला जो अपने आप को वर्षों तक, दशकों तक छुपाए रखा। यही हमारी सनातन की मर्यादा है, महापुरुष अपने आप को जग जाहिर नहीं करते। और सच मानो जब उनको संन्यास मिला, मेरे को लग रहा था शायद मेरे को मिल गया, मेरे को नहीं लग रहा था कि इनको मिल रहा है, क्योंकि हमारी आत्मा एक ही है। तो मैं पहले ही कह रहा हूं इनका स्पर्श, इनका दर्शन, इनकी वाणी, इनके वचन सब दिव्य हैं। और जो ध्वजा है आई मुंगली दरबार की वो ऐसे महापुरुषों के हाथ में, ये मत सोचना कि ट्रस्ट में कौन मेंबर है कौन नहीं है, हम उस बात को नहीं मानते। हम इस बात को मानते हैं जो पूरी साफ नीयत के साथ गुरु दरबार की उन्नति, प्रगति, विकास चौ दिशा में सतगुरुदेव जी की महिमा और अपने आप में विलक्षणता, वो ये कि नर्मदा नम्रता, दीनता, सरलता जो सर्वोपरि है जीवन की, जो
संकोच के जो गुण हैं वो इनमें सभी उनका संगम देखने को मिलता है। और ये तो खैर सभी ने इस बात को अनुभव किया हो गया, पर्सनली अनुभव गमे की बात है कि सेवा करते हुए देखा विभिन्न स्थानों पर, चाहे लंगर की हो, गुरुद्वार की हो, वहाँ पर सेवा लगती है, शेष 8-8 घंटे की दर्शनों के समय जो प्रसंग होती है या बड़ा भंडारा होता है, बाकी सब नहीं देखा। तो विशेषता क्या है? महापुरुषों की विशेषता होती है वेदा हमंतम पुरुष महांतम दिव्यवंतम स्पर्शता। बोल ये होती है जब हम महापुरुषों को हम आम इंसान समझते हैं, ये सबसे बड़ी भूल है। कहते नहीं, ये दिव्य स्वरूप है, ये ज्योति है, ये खंड है, ये हम जैसे नहीं है। अगर हम जैसे होते तो फिर हमारा भव सागर से कौन विस्तार करेगा? ये महापुरुष इस पंचभौतिक शरीर में रहते हुए भी परम पिता परमात्मा की अंश हैं, जो उनके भेजे हुए प्रतिनिधि हैं, जिनका एक ही ध्येय है समाज में जाकर के जन कल्याण करना। जो हमें नाम दान देकर के जो है उस परम पिता परमात्मा से जोड़ते हैं। एक बार प्रश्न किया गया जब राधा स्वामी मठ के कि आपके इतने आश्रम हैं, प्रश्न करते हैं जिज्ञासु, अनेक प्रकार के जिज्ञासु होते हैं जो तरह तरह के प्रश्न करते हैं, लेकिन वास्तविकता से दूर होते हैं। असल में हर प्रश्न के अंदर उत्तर स्वयं छिपा होता है। कहते चश्म बंदो गोश बंदो लभे हम गन्ना बिक्री मूल रंग बर्मन बखन। वास्तविक में पता है ब्रह्म पिता परमात्मा ब्रह्म हमारे हृदय में विराजमान है। पार ढूंढे सो ब्रह्म बुलाई, तो महापुरुष चेतना देते हैं कि जीव तुम मोह निद्रा से जाग। वास्तविक ध्येय जो महापुरुष बता रहे हैं जो तो समझ बैठे उनको, ये तेरी महान गलती है, भूल है, अपराध। तूने सोचा कि महापुरुष हमारे तरह ही है, खाते पीते हैं, खूब सोते उठते जाते हैं। जब प्रश्न उन्होंने निकाला तो उससे रात के 2:30 बज रहे थे, तो उन्होंने कहा क्या समय हुआ महाराज श्री ने कहा 2:30। जिज्ञासु का प्रश्न था कि आपको संतों की जागीर क्या है, 5,000 से अधिक आश्रम है, क्या उसकी वैल्यू चाहते हो, क्या चाहते हैं? उनका लिखो इसको। कहते महाराज सूर्य दे देना आंसर। कहते नहीं, अभी लिखो, बे आरामी हम संतों की जागीर, जो रात को 2:45 बजे प्रेमी को जॉब दे रहा है, उसका जीवन कितना अद्भुत होगा, कितना हृदय विशाल होगा, सारे सुखों को तिलांजलि देकर के और पूरे विश्व की खाप छान रहे हैं सिर्फ इसलिए कि लोगों को मार्गदर्शन मिले, सत्यता का ज्ञान मिले। तो अनट्रुथ लीड मी टू ट्रुथ, थ्रू डार्कनेस लीड मी टू लाइट, थ्रू ट्रुथ लीड मी टू ट्रुथ का स्टेट। अस्तु मा सदन में तो समा ज्योति कर में मृत्यु में अमृत, ये वेद वाक्य। वहां तक पहुंचे हुए इन महापुरुषों को जो हम एक मनुष्य के भांति जानते हैं कि ये तो हमारी तरह व्यवहार करते हैं, नहीं। जब मास्टर ABC सिखाता बच्चों को, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका लेवल ABC है। वो ABC इसलिए सिखाता है कि अपने आप को धरती पे उतारते हैं महापुरुष। जो अवतारी महापुरुष होते हैं, चाहे माता जी के संबंध में कह लो या स्वामी माधवानंद जी के संबंध में कह लो, ये आकर के ABC बोर्ड पे इसलिए नहीं लिखते कि इनको जो ABC है इतना ही ज्ञान है। वो इसलिए ABC लिखते हैं कि इन बच्चों को एबी से ही इनके जीवन जो शिक्षा आरंभ होगी। तो ये जो एक महान उत्सव था उसमें मुझको सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। मैं आपको परम सौभाग्यशाली मानता हूँ कि माता जी के पावन कर्मों द्वारा इनको संन्यास भेज से दीक्षित किया गया और सभी संप्रदाय के वहाँ पर विश्वविख्यात महाबलेश्वरगण संत महापुरुष नगरी दरबार के और जो आमंत्रित आगंतुक महापुरुष थे उनकी उपस्थिति में इस महान चोले का इन्होंने बख्शिश करके माता जी ने सारी कृपा जो है चली आ रही है स्वामी रामानंद जी से आरंभ होकर के, बल्कि श्री नगरी निवास भगवान जी से, बल्कि दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी से। उस क्रम में वो जो पावर है, वो ट्रांसमिशन है हृदय से हृदय के बीच में आकर के इनके अंदर प्रवाहित हो रहा है। और मेरा आज हृदय भी बहुत प्रफुल्लित है
और शरीर पूरा रोमांचित है। ये बात नहीं है पहले बार आया कि आज एक अजीब तरंगे वाइब्रेशन से नजर आ रही है, श्री गुरु महाराज जी की विशेष कृपा की अनुभूति हो रही है। तो ये हम इस बात को याद रखें कि महापुरुष जो हैं, सहजों ने भी ये कहा, संत मिले हर ही मिले मेरे मन प्रतीक, जैसे सूरज धूप जियो जग पाले के। इस भूल को उन्होंने सुधारा लोगों कह करके इस भूल किस प्रकार सुधारना है, गुरु महाराज जी ने में उनमें कोई अंतर नहीं, कैसे कैसे, जैसे सूरज धूप जियो जग पाले के, सूरज में और धूप में, जल में और बर्फ में कोई अंतर नहीं है, इसी प्रकार परम पिता परमात्मा में और इन संत महापुरुषों में कोई भिन्न भेद नहीं। हम ऐसे शुद्ध भावना के साथ, परम पवित्र मन के साथ जब भी गुरुद्वार में आए, ये भावना लेकर के आए। ये तो मामूली बातें हैं कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, ये तो मामूली बातें हैं, मैं बड़ी बात नहीं कहता। मैंने देखो रिद्धि सिद्धि के फकीर थे स्वामी रामानंद जी महाराज, स्वामी केशवानंद जी, उनका वास भी थी, कुछ भी कहते थे, वही माता जी की हालत है, वही स्वामी जी की हालत। लेकिन वेद फकीरी को जानना आवश्यक है। वेद फकीरी क्या है? जिसके लिए हमारा जन्म मोक्ष मूल गुरु कृपा, मंग मूल गुरु वाक्य, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी शैल अटेन मोक्ष। तो गुरु कृपा ही सब कुछ निर्भर है। लेकिन इस बात को सदैव याद रखें, जब हमारे घर के सारे कामकाज होते हैं, दूर लाना है, बच्चों की पढ़ाई का फिक्र है, उसी प्रकार से अगर हमें गुरुद्वार की सेवा का फिक्र हो, महापुरुषों की चरण सेवा का हमें फिक्र हो, तो बात बनते फिर देने लगती, फिर तो ये है तुम्हें विषण भारे भारत प्रसादा पराम शांति प्राप्त से शाश्वत। तो उस शाश्वत को प्राप्त करने के लिए महापुरुषों की चरण गज हम अगर अपने मस्तक पर लगाएंगे तो हमारा जीवन जो है एक नई उड़ान भरेगा। इसके बारे में महाराज जी कह रहे थे भी कि उस दिव्य अनुभूति आपको सदैव महसूस होगी, उस रंग में आप रंग जाओगे। तो मैं छोटी धन्यवादी हूँ पूज्य माता जी का, जिनका हमेशा से एक प्यार भरा आलिंगन प्रेम आशीर्वाद मिलता रहा, और तबीयत खराब के बावजूद ये मंजिल साहब पहुँचे। तो मैं कृतज्ञ हूँ, आपका मैं सदैव ऋणी हूँ, और आपके उपकारों का मैं कभी भुगतान नहीं चुका सकता, क्योंकि सदैव आप दास की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए कृपा प्रसाद बांटते रहे, और संगत सभी संगत को आपने हजारों की संगत में उपस्थित दी, आपने सबको ढांढस बताया, सबको आशीर्वाद दिया, उसके लिए सदैव हम आपके ऋणी रहेंगे। आपके उपकार से हम कभी वंचित ना हो, ऐसे सभी देव के दिमाग से हमारी प्रार्थना है। और स्वामी जी महाराज जो हमारे दरबार का भविष्य है, शुभकामना के साथ निश्चित तुम्हारे चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि जिस ध्येय के लिए, जिस ऑब्जेक्ट के लिए और जिस मिशन के लिए ये आज पूजा को लेकर के आगे बढ़े हैं, हम सब यहाँ पर मिलकर के शपथ लें कि हम दिलो जान से इनका साथ देंगे, और जो भी हमसे बन पाएगा तन से मन से धन से सभी प्रकार की सेवाएं ला करके इनके चरणों में अर्पित करेंगे। उन्हें सबको लाख लाख बधाई। बोलो जयकारा, बोलो साचे दरबार की जय। इतना मैंने पहले भी कहा, बार बार यही शब्द कहता रहता हूं कि यह है बिना कृपा के कुछ भी नहीं मिलता। कई लोगों के मन में भाव होता है कि परमपिता परमात्मा हमारे अंतःकरण में, हमें मंदिर में जाने की क्या जरूरत है। पर मित्रों, यदि अगर मंदिर और यहाँ पर अपने आश्रम में हम लोग नहीं आते, तो वो जो पावर जो शक्तियां गुरु महाराज जी के रूप में हमारे सामने साक्षात है, वो हमें नहीं मिल सकती। यहाँ पर घड़ी दो घड़ी बैठने के बाद ही वो पावर हमें आती है, और उसके बाद ही हम लोग जैसे अज्ञानी और बुद्धिजीव, अगर बुद्धिहीन, बुद्धिजीव नहीं, बुद्धिजीव है ही नहीं, बुद्धिहीन लोगों के अंदर बुद्धि थोड़ी सी आ जाती है। ये उनका प्रेम है, उनका आशीर्वाद है, बिना उनके आशीर्वाद के कुछ नहीं होता। आप देख लीजिए, आपके सामने साक्षात रूप में बैठे हैं, 2 से 2.5 साल का पीरियड उससे पहले जो रूप था उसमें भी अनंत प्रेम मिलता था, उसके बाद जब श्वेत वस्त्रों में आए तो पूर्ण प्रेम और प्रेम के साथ साथ आशीर्वाद, और अब संत रूप में हमारे सामने बैठे हैं, तो ये उनकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं। मैं मानता हूं यज्ञ परिश्रम के बिना भी कुछ नहीं है, परंतु उनकी अगर कृपा नहीं होती तो ये दिन भी नहीं देखने को मिलता। तो ये जो कृपा हूं गुरु महाराज जी की,
हमारे नागवानंद महाराज जी पर हुई है, ये हमारे लिए बड़े भाग्य की बात है। अरुण साक्षात रूप में हमने उस परम पिता परमात्मा को पाना है। अब मैं ज्यादा बातें ना करता हुआ इधर उधर की उल्टी सीधे बातें करने की आदत है, बहने हंस भी रही है, पता नहीं क्यों बेवकूफ पागल बोलता जा रहा। तो मैं माधवानंद महाराज जी को अनुरोध करूंगा कि वह अपने प्रेम अपने आशीर्वाद के रूप में हम सब बच्चों को इस तरह के उपदेशों द्वारा आज हमारी आंखें खोल दें, हमारा कहते हैं ना मन अंदर से अच्छे से झुंझोर कर खोल दें, ताकि हम सभी बच्चे आज ये संकल्प लेकर जाएं कि सुबह और शाम दो समय हमें यहाँ पर आरती के समय पर पहुंचना है। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज।